मुझे ऐसा लगता है कितने ओवर में पूरा कर देगा ये, मेरे ख्याल से इंग्लैंड 29 ओवर में पूरा कर देगा मैच इंशाल्लाह। 29 ओवर में भाई 230 रन नहीं, 230 रन नहीं बन रहे। हमने पिछली वीडियो में बोला था कि इंग्लैंड ना 35 ओवर में पूरा करेगी, लेकिन यार इतना गंदा हाल, 40 पे 4 आउट हो गए, 90 पे आई थिंक 6 आउट थे, कितने आउट थे, 91 पे 6 आउट थे। मैं एक बात बोलूं, इंडिया यार वाकई बहुत स्ट्रांग टीम है यार, इंग्लैंड में कैसे हार सकता है यार आरिस भाई। हाँ यार, मैंने कसम से इंडिया वालों को बोला था कि आज का मैच देख लेना इंग्लैंड ही जीतेगा, लेकिन पता नहीं क्या सीन हुआ, मेरे को तो समझ नहीं आ रही कि मैं इंडिया वालों का सामना किस तरीके यार से करूं। ये सोच रहा हूँ कि जो इंग्लैंड टीम है, पिछली चैंपियन टीम है यार, वर्ल्ड कप जीती है 2019 का, उसकी ऐसी सिचुएशन है यार भाई, 230 रन नहीं, 230 रन नहीं बन रहे। हमने पिछली वीडियो में बोला था कि इंग्लैंड ना 35 ओवर में पूरा करेगी, लेकिन यार इतना गंदा हाल, 40 पे 4 आउट हो गए, 90 पे आई थिंक 6 आउट थे, कितने आउट थे, 91 पे 6 आउट थे। मैं एक बात बोलूं, इंडिया यार वाकई बहुत स्ट्रांग टीम है, इंडिया का आप किसी से कंपेयर कर ही नहीं सकते इस टाइम यार, लेकिन यार चल रही है शामी की बॉलिंग, बुमराह की बॉलिंग। मैं ये बोलूंगा भाई अपने इंडियंस भाइयों से पिछली वीडियो से माजरत करता हूं, हमारा सॉफ्टवेयर अपडेट हो गया है भाई बहुत जल्द, क्योंकि इंडियंस भाई ने बोला था कि यार पहले जो आपको बोल रहा था यही था, वो नहीं था, पहले पहले मैच देखो उसके बाद डिसाइड करना, क्योंकि भाई इंग्लैंड की टीम मुझे उम्मीद तो थी, और मैं चाहता इंग्लैंड एक स्ट्रांग टीम है यार, स्ट्रॉन्ग टीम है, लेकिन यार क्या बस दिल टूट गया, यकीन करो पाकिस्तान ने अलग दिल तोड़ा। मैं तो बोल रहा हूँ हर टीम है भाई, घर आ जाओ, अपने अपने मुल्क आ जाओ, इंडिया को ऐसी देकर आ जाओ भाई, भाई इंडिया को बोले आप ले लो वर्ल्ड कप भाई, अभी आप जीतने दो, अभी भले जीतने दो, लेकिन फिर सेमीफाइनल में बाहर हो जाए, फाइनल या फाइनल में हार होंगे, ये वीडियो को आप रख लेना भाई, देख लो यार इंडियंस कसम से छोड़ेंगे नहीं, फिर आप बोल दिया ना, मैंने जो बोल दिया वो इंडियन की शक्ल याद रखो, इस बंदे ने बोला आप स्क्रीन शॉट लो, आपको जो करना है वो करो, मैंने लिख के दे दू, ये वर्ल्ड कप इंडिया का नहीं है तो नहीं है, इस बंदे ने बोला फाइनल सेमीफाइनल में इंडिया बाहर होगी, और मैं भी यही बोल रहा हूँ कि इंडिया फाइनल सेमीफाइनल में बाहर होगी, स्क्रीन शॉट लो रख लो, रख लो अपने पास, जब फाइनल होगा आई थिंक 13 नवंबर को, 17 नवंबर को, तो उसके बाद आप दिखा देना ये लड़ाई जीत गए। यही बोलना चाहूंगा भाई, इंडिया फाइनल और सेमीफाइनल नहीं जीतेगी, बड़ी स्ट्रॉन्ग टीम है, आज बैटिंग लाइन थोड़ी लड़खड़ाई इंडिया की, लेकिन रोहित शर्मा ने एक साइड से बहुत अच्छा खेला, और उनके बॉलर्सों ने भी 230 तक लाया, वरना लेकिन तो आपको, लेकिन आपको ये सोचना पड़ेगा अगर विराट कोहली जल्दी आउट होता है तो आपकी टीम पे, आपकी टीम पे असर पड़ता है, ये मैं फैक्ट की बात कर रहा हूँ, बाकी ये है कि मेरा सॉफ्टवेयर अपडेट हो गया है, मैं उस पे रहूंगा, कोहली जो है वो किंग है भाई, जो उससे टीम इंडिया चल रही है, जो आप बात साहब अभी रिटायर शायद आखिरी वर्ल्ड कप विराट कोहली, मुझे नहीं पता, ये नहीं पता अगर होता है तो फिर इंडिया की टीम देखेंगे कितनी स्ट्रांग है, क्योंकि कोहली है जो वन साइडेड मैच जितवा सकता है, बाकी क्योंकि उसने काफी मैच जितवाए भी है, बाकी ये है कि मुझे इंग्लैंड वालों से पर्सनली मैं बता रहा हूँ, मैंने इंग्लैंड से उम्मीद लगाई वो हार गई, पाकिस्तान से लगाई वो हार गई, शामी ने यार क्या उसको बैन स्टॉक पर, शामी ने भी अच्छी बॉलिंग कराई है यार, अपना बुमराह ने भाई, इनके बॉलरों को क्रेडिट जाता है, जिस तरीके से 230 रन हमारे वाले होते वो तो 35 या 40 में आपको करवा देते इजीली, सही बात, इंडिया की बॉलिंग भी इस टाइम पे स्ट्रांग है, और इंडिया की जो बैटिंग है अभी थोड़ी सी लड़खड़ा गई थी, लेकिन लोगों ने मुझे कमेंट करके बताया, कमेंट करके बताया कि ये पिच बॉलिंग पिच, मैं आपको एक बात बता, देखो कहने की अहमद भाई सीन ये है कि इंडिया का होम ग्राउंड है, इंडिया ने यहाँ आईपीएल खेले में, तो जाहिर सी बात है उनको पता है कि कैसे यहाँ पर बैटिंग होगी, कैसे बॉलिंग, यही इंडिया की टीम आप बांग्लादेश में ले जाओ, यही ऑस्ट्रेलिया में ले जाओ, मेलबोर्न में ले जाओ, किसी भी ग्राउंड में ले जाओ, फिर पूछूंगा इनकी बॉलिंग और बैटिंग कहाँ गई, बाकी जो भी हुआ है, लेकिन आज इंग्लैंड हारा है, आज इंग्लैंड और हम लोगों की अपडेट हुआ है, हम लोगों की पिछली वीडियोस में हम लोग बिल्कुल, मेरे को ऐसा लग रहा था कि जीतेंगे, जब 230 दिया तो ऐसी बात है, 230 में T20 वाला समझ लेते हैं, इंडिया से वो हमें आइडिया नहीं था कि लखनऊ की पिच वो है बॉलिंग पिच है, इसी उसमें हम लोग चल रहे थे। चलो उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगेगी।